बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 सितंबर और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और आज नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब इस्तिस्ना मांग रहे थे और नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि वो लंदन बैठे रहें, अदालत के सामने सरेंडर ना करें, अदालत में ना आएँ और उनकी अपीलें तो सुनी जाएँ लेकिन उनको इश्तिहारी भी करार ना दिया जाए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी थी उस पर भी अदालत ने अदम एतमाद का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि ऐसा बड़ा इंकशाफ हुआ जब मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया कि सब कमरे अदालत में हैरान रह गए। ये बहुत तवील समाअत थी। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आखिरी जो है वो 31 मिनट की समाअत का अहवाल बताऊँगा, फैसला कुन जो आखिरी 31 मिनट थे उनका, और नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में, क्योंकि बहुत तवील समाअत थी तो और इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आज हुआ उस वक्त मामला ये जब तकरीबन 2:55 पर, वैसे मैं आपको ये बता दूँगी 12:48 पर इस समाअत का आगाज़ हुआ। 2:55 पर जस्टिस आमिर फारूक साहब, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इन केसेस की समाअत कर रहे हैं, तो आमिर फारूक साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि हम नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। ये कहना ही था आमिर फारूक साहब का कि उसके बाद तो फौरन जो है वो एकदम से एक्टिव हुए ख्वाजा हारिस साहब और वो दोबारा अदालत को कहने लगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, अभी आप मुझे सुने, मैं और आपको बातें बताना चाहता हूँ, मैं आपको मुतमिन करूँगा, आप मुझे टाइम तो दें, क्योंकि इससे पहले अदालत बहुत तफसील से उनको सुन चुकी थी। और दरमियान में फिर एक मौका ऐसा भी आया जब आमिर फारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को ये कहा कि ख्वाजा साहब आपका, उन्होंने घड़ी को देखते हुए कहा कि ख्वाजा साहब आपका टाइम शुरू होता है, 5 मिनट हैं आपके पास, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे 5 मिनट चाहिए और 5 मिनट में हम कोई सवाल नहीं करेंगे, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें, हम आपको सुन रहे हैं। उसके बाद उससे ये 2:55 पर जो हुआ था वो मैं आपको वहाँ से शुरू करता हूँ, जब आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि हम नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर नहीं किया, हमने नवाज शरीफ साहब को मौका दिया और उस डेडलाइन पे वो पूरे नहीं उतरे और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो उस पर उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब ने कि ख्वाजा हारिस साहब ये बहुत संजीदा मामला है कि एक शख्स जिसको हमने 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी, 8 हफ्ते बाद उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई जब उसने अप्लाई किया पंजाब हुकूमत के पास, आज उसकी ज़मानत का कोई स्टेटस नहीं है, उसकी वो ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, अगर हम इसके ऊपर कोई फैसला जारी नहीं करते तो हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। इसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने दोबारा कोशिश की कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला जाए, उन्होंने कहा कि जी देखें लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, लाहौर हाई कोर्ट में हम रिपोर्टें देते रहे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट ने यह किया, लाहौर हाई कोर्ट ने वो नहीं किया, सारी चीज़ें। इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ये नहीं हो सकता कि अपील एक अदालत में मौजूद हो, एक अदालत में चल रही हो, एक हाई कोर्ट में चल रही हो, वहाँ से आपको 8 हफ्ते की ज़मानत दी जाए और उसके बाद आप किसी और हाई कोर्ट से जाकर ECL से नाम निकलवा कर और आप जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया वो उनकी ज्यूरिडिक्शन थी, वो एक कंपिटेंट फोरम था, उन्होंने मॉडिफाई किया जो भी शरायत हुकूमत ने रखी थी इसकी हवाले से, इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी 7 अरब 20 करोड़ की, उसको जो भी किया लाहौर हाई कोर्ट ने वो कर सकते थे, वो कंपिटेंट फोरम था, कोई मसला नहीं है। लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा कि इस अदालत से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के मामले में ना तो हुकूमत ने पूछा, ना ही नवाज शरीफ साहब ने खुद हमसे राबता किया, और जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी तो उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने किसी भी तरह से इस अदालत से रजू नहीं किया। और ये भी कहा मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि कोई भी किसी भी और अदालत का फैसला, किसी भी और हाईकोर्ट का फैसला हमारे फैसले को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। इस मौके पे जब उनको कहा गया, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि कहा गया कि आप, जब वो बार बार टाइम मांग रहे थे तो उन्हें कहा गया कि आप बात कर लें, उन्होंने 5 मिनट की बजाय 3 मिनट में बात ख़त्म कर दी और उन्होंने जो बात की, क्योंकि पहले ही आमिर फारूक साहब उनको कह चुके थे कि हमें पता है आपने क्या कहना है, आपने यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब बहुत शदीद बीमार हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, यही आपने बात करनी है तो आप बात करें। उन्होंने 5 मिनट की बजाय 3 मिनट में बात ख़त्म की तो आमिर फारूक साहब ने कहा आपने तो 5 मिनट मांगे थे, आपने 3 मिनट में ही बात मुकम्मल कर ली, तो उन्होंने फिर ज़रा अज़राए मज़ा उन्होंने लाइटर नोट कहा कि क्योंकि मेरे ऊपर आपका प्रेशर है तो इसलिए मैंने बात जल्दी ख़त्म कर ली। इस मौके पर आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि चले हम रिपोर्ट से ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ें। जब उन्होंने रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू किया तो जो सबसे पहली उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की वो बहुत ही हैरान कन थी। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने पहली बात तो ये की कि ख्वाजा साहब जिस डॉक्टर की आप ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जिसने ये रिकमेंडेशन दी है, ये तो डॉक्टर जो है ये वो डॉक्टर नहीं है जिसने मियाँ साहब की सर्जरी करनी है, ये वो डॉक्टर है जो कंसल्टेंट है और उसको आपने उनकी सूरत हाल बताई
और उसके ऊपर उन्होंने ओपिनियन दे दी। तो ये तो सर्जन ही नहीं है जिस डॉक्टर ने ये रिकमेंडेशन दी हुई है, अगर आपने ये चीज़ें करवानी थी तो वो सर्जन से करवा लेते। और साथ ही उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही ऐसे को थर्ड पार्टी से जाके और आप ओपिनियन ले लें। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा बात यह है ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब के कंडक्ट के ऊपर बहुत सवालात उठते हैं और उनके कंडक्ट की वजह से ही सूरत हाल इस तरह की हो गई है। यहाँ से हमने 8 हफ्ते की जमानत दी, उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए, यहाँ से वो बाहर चले गए। 10 माह में एक दिन भी नवाज शरीफ साहब एडमिट नहीं हुए। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट्स भेजनी थी तो नवाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए था, वो किसी हॉस्पिटल में जाते। हाँ, अगर वो किसी हॉस्पिटल में गए हैं एक दिन भी एडमिट रहे हैं तो आप हमें बता दें, या किसी हॉस्पिटल ने अगर उनको ये कहा है कि मियाँ साहब हम आपको ऑपरेट नहीं कर सकते तो भी हमें बता दें। हमें किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखा दें जिसमें हॉस्पिटल ने ये कहा हो कि जी हम आपको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना के मामलात हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि आप हमें, आप चाहते हैं कि हम लंदन की रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो इनहसार करें, उन रिपोर्ट्स को मान लें। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत के अपने बनाए हुए मेडिकल बोर्ड्स थे उन मेडिकल बोर्ड्स की दी गई रिपोर्ट्स के ऊपर भी वफाकी हुकूमत सवालात उठा रही है, तो हम कैसे जो है इन रिपोर्ट्स को मान सकते हैं। ये भी कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि जो जेंटलमैन है नवाशी साहब के बारे में, उन्होंने कहा उन्होंने जाके अपना इलाज ही नहीं वो उस तरह से करवा रहे जो हमें जो बताया जा रहा है, जितने क्रिटिकल हैं वो तो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हो रहे, और अगर वो वहाँ पे भी हॉस्पिटल से बाहर रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान आके रह लें, तो वो पाकिस्तान आ जाएं। तो या तो वो बाहर गए थे इलाज के लिए तो उनको इलाज कराना चाहिए था, उनको ना उनकी कोई सर्जरी हुई ना उनको कोई प्रोसीजर हुआ और ना ही आपने किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो हम कैसे ये सारी चीज़ें मान लें। और ये जो है वो कंडक्ट जो नवाज शरीफ साहब का उसके ऊपर बहुत सवालात हैं। नहीं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पिछली समात में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी ये कहकर कि नवाज शरीफ साहब की हालत तो हमें बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो मेडिसिन खा रहे हैं वो ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, और ओरल मेडिसिन ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम ये सब पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि ओरल मेडिसिन हमेशा उस शख्स को दी जाती है जो कि वैसे स्टेबल हो और वो ओरल मेडिसिन खा लेता है कि ये दवाई से ठीक हो जाएगा। और फिर एक और जो कमाल आज की ऑब्जर्वेशन थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, उन्होंने कहा देखें मियाँ साहब जो है उनको दिल का मसला है, और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि ये दिल का मामला बता रहे हैं ख्वाजा आरिफ साहब। उन्होंने कहा जो दिल का मामला है, दिल की जो तकलीफ़ है उसको दवाइयों से मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन दिल दोबारा जवान नहीं हो सकते, वक्त के साथ साथ चीज़ें मतलब ज़रा ख़राबी की तरफ जाती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मियाँ साहब का दिल अब जवान हो जाए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिल्कुल वो बात की जो जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब ने की थी कि नवाज शरीफ साहब को जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों को मैनेज तो किया जा सकता है लेकिन उन बीमारियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि मियाँ साहब को 20 साल से बीमारियां हैं, 20 साल पहले से उनको बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों के दौरान मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए 2007 में, फिर मियाँ साहब ने इलेक्शन कंपेन चलाई, फिर मियाँ साहब 2013 में इलेक्शन कंपेन चलाई और फिर मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, वज़ीर-ए-आज़म बन के वो काम करते रहे, हेक्टिक रूटीन थी। तो ये सारी सूरत हाल अगर मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के और वक्त गुजार सकते थे और मियाँ साहब इलेक्शन कंपेन कर सकते थे, एक दिन एक जगह जलसा, उसी दिन दूसरी जगह जलसा, उसी दिन तीसरी जगह जलसा, तो मियाँ साहब जेल भी काट सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी। यही बात की मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब का ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल नौजवानों की तरह बिल्कुल उनको एक क्लियर वो एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि आप ये बिल्कुल फिट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की बीमारी को मैनेज किया जा सकता है कि वो स्टेबल हो जाएं और उनकी ज़िंदगी को कोई फौरी तौर पे जो खतरात हैं वो बरकरार ना रहें, बाकी उनकी बीमारियां ये नहीं हो सकता कि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं। और फिर क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को लाहौर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब सारी ज़िंदगी भी ना आएँ तो कोई मसला नहीं है, उसकी वजह क्या है। उसमें लाहौर कोर्ट ने यह लिखा है कि जब नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फिट हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान जाकर जेल काट सकते हैं, तो फिर वो आ जाएँ। कौन सा डॉक्टर मियाँ साहब को ये लिख कर देगा? और ऐसी सूरत हाल में जब मियाँ साहब की उम्र भी 70 साल है, उनका बीमारियां पहले से हैं इसमें कोई शक नहीं है, और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो रहे, डॉक्टर्स भी उनके जो इलाज कर रहे हैं वो वही डॉक्टर अदनान और वो सारे कर रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स के साथ कैसे खतों की दवा हो रही है, एक डॉक्टर को खत लिख कर भेजा जाता है कि जी एक मरीज़ है, उस मरीज़ को ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी, ये मसला, ये मसला, ये मसला, इतना कुछ आप लिख के भेजेंगे, एंड पे आप लिखेंगे जी आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो जितनी बीमारियां आप लिख के भेज रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आप लिख के भेज रहे हैं, उसने तो आगे से यही कहना है कि भाई ये तो बहुत हालत इस बंदे की ख़राब है, इसको तो बस आप बिल्कुल बहुत मोहतात हो जाएँ, बहुत एहतियात करें, इस बंदे की हालत बहुत ख़राब है।
तो ये अदालत कह रही है कि नवाज शरीफ साहब जाके टेस्ट नहीं करवा रहे कहीं पे, और जो टेस्ट रिपोर्टें पाकिस्तान भेजी जा रही हैं उनमें चार टेस्ट रिपोर्टें नहीं दी जा रही, जिनमें से एक प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है, एक पेट स्कैन है, कुछ और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि नहीं दी जा रही अदालत को। और यही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए, और यही सवालात पहले पंजाब हुकूमत ने भी उठाए थे कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो मांगी जा रही हैं असल में वो नहीं दी जा रही। तो आज जब ये समाअत 3:26 पर ख़त्म हुई, जजेज उठ कर गए, तो उससे 10 से 15 मिनट बाद ये फैसला सुनाया गया, और फैसला सुनाते हुए अदालत ने नवाज शरीफ साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए, वो लंदन बैठे रहें, यहाँ उनका प्लीडर पेश होता रहे, यहाँ उनका ट्रायल चलता रहे, और उनको इश्तियारी करार ना दिया जाए। लेकिन अदालत ने आज उनकी ये इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके और पाकिस्तान लाया जाए। अब इस समय हुकूमत और इदारे कितने कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन इसकी सियासी तौर पे बहुत इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके असरात होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको आखिरी 31 मिनट का बताया है, नेक्स्ट वीडियोस में दीगर जो समाज के पॉइंट्स थे उनके ऊपर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का अमीन असर। अल्लाह हाफिज़।